फ्रेंड्स, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना जरूरी होगा कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से या करंट पोजीशन के हिसाब से कौन सा स्ट्रीम जो है वो आपको सूट करेगा, जो आपकी करंट जॉब में क्विकली आपको प्रमोशन दे या आपके करंट बिजनेस में बहुत तेजी से आपको ग्रो दे। तो आपको अपने उस सिनेरियो के मुताबिक अपने स्ट्रीम को चूज करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET Institutes में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमबीए के टॉप 10 स्ट्रीम्स के बारे में, जो अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार इन स्ट्रीम्स के बारे में जान लेना चाहिए कि कौन सा स्ट्रीम इनमें से आपके लिए बेस्ट होगा, जो कि आपकी करेंट जॉब्स को या करेंट बिजनेस को सपोर्ट करेगा और इसको करने के बाद आपको करेंट जॉब्स में या आपके करेंट बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट या काफी डेवलपमेंट आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमबीए के टॉप 10 स्ट्रीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे टॉप 10 एमबीए कोर्सेज के स्ट्रीम्स के बारे में या एमबीए के स्पेशलाइजेशन के बारे में कि अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट स्पेशलाइजेशन होगा जिसके जरिए आप इस कोर्स को में बेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है फ्रेंड्स, जो कि एक मास्टर डिग्री कोर्स है। आफ्टर जो है ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स के लिए आप जा सकते हैं और एमबीए करना एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन वाला जो है ये कोर्स है। और आज के डेट में एमबीए हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में अगर आप इस डिग्री को लेते हैं तो ये डिग्री आपको उस फील्ड में काफी आगे मूव ऑन करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कौन से बेस्ट स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं अगर आप इस डिग्री को करते हो, जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। एमबीए एक रेपुटेड मास्टर डिग्री है और इसके लिए कौन से बेस्ट आपके स्पेशलाइजेशंस होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले जानेंगे हाउ टू चूज एमबीए स्पेशलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप चूज करें कि कौन सा आपके लिए बेस्ट स्पेशलाइजेशन होगा एमबीए करने के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट होगा फ्रेंड्स आपके लिए स्कोप ऑफ एमबीए स्पेशलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये सबसे पहले डिसाइड कर लें कि जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज कर रहे हैं एमबीए करने के लिए, उसमें क्या स्कोप्स है, आपको उसमें उसको करने के बाद आपको उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कहाँ आप उसके जरिए जा सकते हैं, जॉब्स के कितने ऑप्शंस हैं और उसकी कितनी डिमांड जो है वो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप इसके लिए जानें स्कोप्स ऑफ एमबीए स्पेशलाइजेशन, आप इस बात का ज़रूर पहले ध्यान रखें। नंबर टू फ्रेंड्स, आपको जानना ज़रूरी होगा रेपुटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट से आप एमबीए करने जा रहे हो या जिस किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप एमबीए करने जा रहे हो, आपको उस इंस्टीट्यूशन या उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का रेपुटेशन एक बार आप पहले चेक कर लें कि उनका जो स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलरली एमबीए के इस स्ट्रीम्स के ऊपर वो कैसा रहा। तो ये भी एक बार जानना बहुत ज़रूरी होगा। नंबर थर्ड जो आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स, वो है फैकल्टी फॉर परफेक्ट एमबीए स्पेशलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट्स आपने फाइनल किया, उसमें आपको एक बार फैकल्टीज़ के बैकग्राउंड और उनके एक्सपीरियंस को भी एक बार देखना होगा कि वहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं उनकी क्या स्पेशलाइजेशंस है और उनकी क्या अचीवमेंट्स रही है इस पर्टिकुलर फील्ड्स के ऊपर। तो ये भी अगर आप एक बार प्रिफर करें क्यों, तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। और नंबर फोर फ्रेंड्स, आपको एक और बात जिसमें ध्यान रखनी है वो है आरओआई ऑफ एमबीए स्पेशलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इस स्पेशलाइजेशन के जरिए जो एमबीए का जो आपने स्ट्रीम चुना है उसका आरओआई क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस स्ट्रीम्स को करने के बाद आप कितना पैसा उसके जरिए वापस ले सकते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस एमबीए स्पेशलाइजेशन की कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके लिए कि एक बार अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप एक बार डिसाइड कर ले पहले कि फर्स्ट आपको कौन सा जो है, किस तरीके से आपको अपना एमबीए जो है इसके लिए डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट स्पेशलाइजेशन आपके लिए होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो का हमारा टाइटल है कि टॉप 10 एमबीए स्पेशलाइजेशंस होंगे, जो कि एमबीए में आपको आपकी जो बेस्ट स्ट्रीम है, बेस्ट स्पेशलाइजेशन है, जो मैं वैसे बहुत सारे इस पे स्ट्रीम है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है जिसके ज़रिए आप एमबीए कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए टॉप 10 लेके आया हूँ जो कि सबसे बेस्ट है और जो इस टाइम इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये स्पेसिफिकेशन या ये स्पेशलाइजेशन सबसे बेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर वन बाय वन इनको। तो नंबर वन पे जो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एमबीए में वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पे एमबीए करते हैं तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में। हर कंपनी को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, हर किसी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। कोई भी कंपनी आज के डेट में ऐसे नहीं है जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत ना हो। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में हैं। अगर आप एमबीए कंप्लीट करते हैं और एमबीए करना करते हैं अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से, तो आपके पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी इस स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करने के बाद। बढ़ेंगे नंबर टू की तरफ फ्रेंड्स, जो कि है एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड्स में हैं और आपने बीसीए या आप कंप्यूटर्स में ही आपका जो है वो रहा है एजुकेशन, और आपकी जो बैचलर डिग्री है वो खासतौर से कंप्यूटर की फील्ड से है, तो डेफिनेटली आपको जो है एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आईटी की फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और उसी फील्ड में आपको एमबीए कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आप पहले से बैचलर डिग्री के साथ में आपने वो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद ही आपने वो लाइन अपने लिए डिसाइड की है, तो डेफिनेटली आपको उसी ट्रैक पे आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एजुकेशन को उसी ही ट्रैक पे आपको बिल्ड करना चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट होगा एमबीए इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बढ़ेंगे नंबर थर्ड की तरफ फ्रेंड्स, एमबीए इन फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीकॉम स्टूडेंट रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स आपने पढ़ी है और आपकी जो 10+2 या आपका जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स से है, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप एमबीए इन फाइनेंस करें। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में और बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में आपके पास में बहुत सी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस स्ट्रीम को कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। तो अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं और आप अकाउंट्स या फाइनेंस डिवीजन से हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द फाइनेंस। चलिए फ्रेंड्स बढ़ेंगे नंबर फोर की तरफ, जो है एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, एमबीए इन एचआर, स्पेशली ये वाली फील्ड खास तौर से गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, जहां पे एचआर के ऊपर आप अपना इस एमबीए को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वॉइस भी हो तो आपको अगर इंटरेस्ट है कि आप ह्यूमन रिसोर्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हो और आप बैचलर डिग्री के साथ में अगर आपने बीबीए किया है और साथ साथ में आपने बीबीए जो है वो एचआर में ही किया है, तो डेफिनेटली आपको एमबीए के लिए भी एचआर में ही जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट थ्री की बात करूं तो उसके मुकाबले इसमें कम होगा। बढ़ेंगे फ्रेंड्स नंबर फाइव की तरफ, आपका जो है एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट जो है ये फील्ड है आज की डेट में, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड में, अब इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में और खासतौर से इंडिया में भी अब इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे होने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, तो वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप उसके बाद चाहते हैं कि आपके पास में कोई अच्छी सी मास्टर डिग्री हो, तो आप इवेंट मैनेजमेंट को इसके लिए चूज कर सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसके बारे में अगर आप और थोड़ा डिटेल में जाने तो ये करियर आपको बहुत बेस्ट लगेगा करेंटली इंडिया में। बढ़ेंगे नंबर सिक्स की तरफ फ्रेंड, जो कि है एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट अगर आप बिजनेस की फील्ड से हैं फ्रेंड्स और आप चाहते हैं कि ऑलरेडी अगर आप आपके फादर्स का या आपका फैमिली बिजनेस है और आप चाहते हो कि उसको एक दूसरे लेवल पे लेके जाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एमबीए के लिए जाना चाहिए और वो भी आपको बिजनेस मैनेजमेंट में ही। तो आप उसी पर्टिकुलर बिजनेस को बहुत अच्छी लेवल पे आप आगे बढ़ा सकते हो, जहां पे कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप उसकी पूरी जो है एजुकेशन आप लेते हो कि किस तरीके से एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और किस तरीके से कितने सारे डिपार्टमेंट्स को आप अकेले जो है वो कवर अप कर सकते हो, वो सारी स्किल्स आप इस स्पेशलाइजेशन के अंदर सीखते हो। बढ़ेंगे फ्रेंड्स
स्टूडेंट्स नंबर 7 की तरफ जो है MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आज की डेट में है, जहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैचलर डिग्री है वो हेल्थ केयर में रही है और नहीं भी है, और आप चाहते हैं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप जाएँ, तो डेफिनेटली आपके पास में अगर बैचलर डिग्री कम्प्लीट है और आप चाहते हैं कि मास्टर डिग्री कोई करें और एक अच्छी करियर ओरिएंटेड करें, तो आप इसे जो है MBA के रूप में चूज कर सकते हैं, जिसमें कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट स्पेशलाइजेशन होगा, जहां पे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप जिस तरीके से इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत हाई क्लास इंडस्ट्रीज बन रही है और बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज ये है आज की डेट में, तो यहां पे एक इस इंडस्ट्री को और डिफरेंट लेवल पे लेके जाने के लिए आपके पास में MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे नंबर 8 की तरफ फ्रेंड, जो कि है MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में आप चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप काम करें, तो आप जो है MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट फील्ड होगी, जहाँ पे कि आपको पूरे इम्प्लॉयज के साथ में उनको मोटिवेट करना, उनको टास्क प्रोवाइड करना और उनसे रिजल्ट निकालना, और पर्टिकुलरली कंपनी के ग्रोथ और कंपनी के टास्क और कंपनी की स्ट्रेटेजी के मुताबिक अपने सभी इंप्लॉयज को जो है मोटिवेट करके और उनसे वर्कआउट निकाल करके निकालना, ये एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो कि सीओओ जो हमारा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। और अगर आपने MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप हो, तो इन सभी की स्किल्स जो है आपको इस स्पेशलाइजेशन के अंदर सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और अगर आप चाहते हो इसको करना, तो ये बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए होगा। बढ़ेंगे नंबर 9 की तरफ फ्रेंड, जो कि है MBA इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जिस तरह से लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज काफी ग्रोइंग है और ये कभी भी खत्म होने वाली इंडस्ट्री नहीं है, और वैसे अभी भी जितने भी मैं आपको इस पर्टिकुलर MBA के स्पेशलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, ये एक में बढ़कर एक स्पेशलाइजेशंस हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉजिस्टिक की बात करें तो ये बहुत ही बेस्ट है लॉजिस्टिक भी। अगर आप इस पर्टिकुलर आपको इस इंडस्ट्रीज में अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप अभी बैचलर डिग्री कंप्लीट करके आए हैं और आप चाहते हैं कि लॉजिस्टिक में ही आप आगे बढ़ें, तो डेफिनेटली आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में अपने MBA को कंप्लीट करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बढ़ते हैं आखिरी हमारे नंबर 10, जो कि हमारा है MBA इन रूरल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, रूरल मैनेजमेंट में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। अगर आप जो है देखें, तो आप अगर एक पर्टिकुलर इस डिग्री के ज़रिए आप कितनी चेंजेस जो है अपने कोऑपरेटिव या एग्री जो है एग्री बिजनेस में या अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड्स में, अगर आप जो है मैनेजमेंट की स्टडीज़ के बाद अगर आप इनमें डेवलपमेंट करते हैं, तो आपके पास में जो है रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि आप MBA के इस स्ट्रीम को कंप्लीट करने के बाद ले सकते हो। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए टॉप 10 MBA कोर्सेज की स्पेशलाइजेशन। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो और वो MBA से, तो आप इन टॉप 10 स्पेशलाइजेशन को एक बार ज़रूर देखें और आपके मुताबिक कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है, आप उसी को चूज करें। तो ये थे दोस्तों आपके MBA की टॉप 10 स्ट्रीम, जो कि टॉप 10 कोर्सेज से MBA में। अगर आप MBA कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज की डेट में MBA करना, और आपको डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि इससे आपको काफ़ी ग्रोथ मिलती है। तो अगर आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि करेंटली आप जिस किसी भी जॉब में हैं, उसके सिनेरियो के मुताबिक अगर आप अपने स्ट्रीम को चूज करते हैं, तो आपको उसका काफी बेनिफिट होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है, पहली बार अगर हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकॉन पर भी हिट कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।